नमस्कार मैं हूँ सोनिया योग स्पेशल सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्री योगा की यानी कि गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले योगासन की हर महिला प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलावों से होकर गुजरती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को हम दिनचर्या का हिस्सा बनाएं लेकिन इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गायनकोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें कार्यक्रम में आज इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगाचार्य अशोक राज और साथ ही हमारी ऑडियंस के लिए योगासन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगी टिया खत्री भी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है you, आ, योगी अशोक राज चर्चा की मैं शुरुआत करूं सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि एक प्री योगा क्या होता है और एक आम योगा के मुकाबले प्री योगा कैसे अलग है सोनिया uh, जी देखिए प्री योगा जो है वो भी एक उन्हीं तैयारियों में से है जो हम एक बच्चे के जन्म के लिए जी, और बहुत सारी तैयारियां करते हैं तो ये भी एक बच्चे के जन्म की एक तैयारी है फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली ये मदर को हेल्प करता है और अगर हम बात करेंगे आम योगा से जो जनरल योगा है उससे कैसे अलग है जनरल योगा में आप कोई भी आसन कर सकते हैं वो आपको बेनिफिट देता है आप सही टेक्निक के साथ करेंगे वो आपको बेनिफिट देगा लेकिन प्री योगा में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसा आसन ऐसे हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए वो नुकसान कर सकते हैं माँ को भी और बच्चे को भी तो इसमें सावधानियाँ ज़्यादा होती हैं हम इसमें ब्रीदिंग जेंटल स्ट्रेचिंग पोसेस जो कि पेल्विक रीजन को सेंटर करते हैं आपकी अपर बैक को स्ट्रेच करते हैं जी. वो हम करते हैं और इसमें रिलैक्सेशन और कूलिंग डाउन वो ज्यादा होता है जी और आम योगा के मुकाबले अगर हम प्रीनेटल योगा की भी बात करें तो इसके फायदे क्या हैं uh, देखिए ये बहुत uh, फायदेमंद है मां और बच्चे दोनों के लिए प्रीनेटल योगा सबसे पहले तो इसमें जो माँ है उसको अच्छी नींद आती है ये अच्छी नींद लेने में हेल्प करता है जी। दूसरी बात आ, स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है आ, चाहे वो आ, प्रेगनेंसी को लेके चाहे डिलीवरी को लेके जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है उसको कम करने में हेल्प करता है जी। और ये हमारी उन मसल्स को सेंटर करता है जो बच्चे के जन्म के समय यूज होती हैं इन्वॉल्व होती हैं उन मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है स्ट्रोंग करता है जे. उनका इंडोरेंस बढ़ाता है एरिया पेल्विक एरिया को वो फ्लेक्स करता है ताकि डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कम हो पेन हो कम हो जी लेकिन सबसे जरूरी ये बात भी है योगेश शोकराज की प्री योगा को स्टार्ट करने का शुरू करने का सही समय कौन सा है जी सोनिया जी ये बहुत ध्यान देने वाली बात है जे. प्रीनेटल योगा को स्टार्ट करने के लिए आपको जो ट्राई पहला ट्राई सेशन होता है जैसे हम पहला ट्राई सेशन तीन महीने को बोलते हैं पहले तीन महीने फिर सेकंड ट्राई सेशन थर्ड ट्राई सेशन तीन तीन नौ महीने ठीक है जी तो जो पहला ट्राई सेशन है वो बहुत क्रूशियल होता है उसमें आपको कोई भी योगा कोई भी प्रीनेटल योगा नहीं करना चाहिए ओके पहले जो अनफॉर्चुनेटली पहले जो तीन महीने होते हैं उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं मिस करेज की प्रॉब्लम के, के लिए जी।, जी हाँ तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्री नेटल योगा कम से कम चौदह हफ्ते के बाद जब आपने कंसीव किया है उसके चौदह हफ्ते के बाद आप प्री नेटल योगा करना फ़ायदेमंद है और आप लास्ट डे तक डिलीवरी के दिन तक आप ये प्री नेटल योगा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पहले तीन महीने और पहले चौदह हफ्ते जी आपको नहीं करना चाहिए इसको अवॉइड करें चलिए हम योगी शुक्रा सीधे आते हैं योग आसन पर कि कौन कौन से योग आसन हैं जो हम जो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं हैं वो कर सकती हैं सोनिया जी इसमें जितने भी योगासन हैं हमें सबसे ध्यान देने वाले आ, वाली बात ये है कि वो भी जो भी आसन आप करें वो आपके बैली को प्रेशर ना करें जी बहुत ज़्यादा आप बैक बेंड ना करें right. बहुत ज्यादा आप फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें जी और भी जितने ट्विस्टिंग पोज़ हैं जिससे आपके बैली के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है हुँ. वो आसन अवॉइड करने चाहिए जी. हमें सिर्फ वही आसन करने हैं जो हमारे अपर बैक शोल्डर और जो हमारा एक पेल्विक रीजन पेल्विक रीजन है उसको ओपन करता है ग्लूट मसल्स को रिलैक्स करता है right. और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली होती है कि जब आप के पेट में बेबी होता है तो आपका वजन बढ़ता है और आपका पेट आ, जब मोटा होता है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ा सा चेंज होती है तो उसको संभालने के लिए आपकी लोअर बैक पे बहुत पेन पड़ता, पेन पड़ता, है, पड़ता है बहुत स्ट्रेस पड़ता है, पड़ता है, है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें योगासन करने चाहिए और साथ ही मुझे लगता है अपने दर्शकों को ये बताना भी बहुत जरूरी है योगेश योगराज की जो भी हम योग आसन आज आपको परफॉर्म करके या डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे या अपने गायनकोलॉजिस्ट अपने डॉक्टर की सलाह के बात करें क्योंकि हर बॉडी टाइप जो है वो अलग होता है उसके हिसाब से कुछ ऐसे योगा आसन हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे हैं लेकिन आपको कुछ और बीमारी होने की वजह से या कोई और डिजीज होने की वजह से शायद वो आपको नहीं करने चाहिए जी सोनिया जी हम जी। जो जिन प्रीनेटल योगा आसन की बात करते हैं ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई बीमारी नहीं है राइट है ना अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है सुगर है थायरो, थायरोडिज्म है या और भी कोई आपको बीमारी है तो ये करने से पहले आप अपने डॉक्टर डॉक्टर की सलाह जरूर लें जरूर लें चलिए अगर हम योगासन की बात करें तो सबसे पहले कौन सा योगासन सबसे पहले है हम इसमें सोनिया जी करेंगे आपको बोलूंगा कि आप खड़े होके ताड़न का डेमोस्ट्रेशन करें इसमें दोनों पैर एक साथ रहते हैं और आप अपने हाथ ऊपर ले जाए धीरे से फिंगर्स को लॉक करें इंडेक्स फिंगर जो है आपकी ऊपर को रहेगी ओके ऊपर ले जाए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें और ताड़ आसन के साथ इसमें साइड बेंडिंग लेफ्ट साइड में राइट right साइड में दोनों तरफ आपने इस साइड बेंडिंग इस आसन से आपकी जो अपर बैक है उसकी मसल्स स्ट्रेच होती हैं और इंडेक्स फिंगर को ओपन करने का कोई खास वजह इंडेक्स फिंगर ओपन करने से आपका बैलेंस ज्यादा बनता है okay. आपका सपोर्ट रहती है आपको एक दूसरे के हाथ की जी. और इस आसन में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ आ, महिलाओं को हो सकता है बैलेंस की प्रॉब्लम आए तो वो इसमें पैर भी खोल सकती हैं आप थोड़ा सा पैर खोलें मैट की चौड़ाई तक आप मैट खोल के आप करेंगे तो इसमें आपको बेटर स्टेबिलिटी मिलेगी बिल्कुल जी हाँ नीचे जाते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट हमारे दर्शक इस बात का भी पूरा ध्यान रखें महिलाएं कि इसको करते वक्त बहुत आराम आराम से अपने हर योगासन को करना है और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन योगासन को आप परफॉर्म करें जी योगेश दूसरा हमारा आसन है हॉर्स पोज जिसको हम वतन्य आसन भी बोलते हैं वतन्य आसन हमारा दूसरा आ, <coughs> योगासन का नाम अपने पैरों को खोलना है एंकल्स को आपने साइड में टर्न करके दोनों हाथ सामने नमस्कार पोजीशन में और 90 डिग्री एंगल तक आपको नीचे बैंड होना है जिससे आपकी ग्लूट मसल्स स्ट्रोंग होती हैं पेल्विक एरिया ओपन होता है बैक स्ट्रेट रहेगी आप नॉर्मल ब्रीद आउट करें आप पाँच से दस सेकेंड इसको करने के बाद आप धीरे से वापस आए बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं करना है अपने आप को रिलैक्स और जिस सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं योगेश इसको इसी ही तरह परफॉर्म करना है जी हाँ सोनिया जी ये सीक्वेंस मैंने ऐसे ही तैयार किया है कि आप खड़े होके फिर बैठ के फिर लेट के ताकि आप जब खड़े हो तो आपकी पोजीशन एक्टिव हो फिर मीडियम पेस पे आप करें और बाद में आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं इसको करते हुए और उससे आपको कूलिंग डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप इसी सिक्वेंस में करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा चलिए ताड़ आसन और बतने आसन करने के बाद हमारा अगला आसन है पूर्वोत्तासन पूर्वोत्थान आसन जिसको हम रिवर्स प्लैंक पोज भी बोलते हैं पैर जी, आप सीधे रखेंगे जी, दोनों हाथ कमर के पीछे उंगलियां आपके आ, पैरों की तरफ रहेंगी जी, ब्रीद इन करके आप ऊपर जाएंगे एंड होल्ड करेंगे धीरे से ब्रीद आउट और वापस आएंगे इसको हम पूर्वोत्थान आसन और रिवर्स प्लैंक पोज भी बोलते हैं रिवर्स प्लैंक जी। और हमारा जो अगला आसन है वो है मल आसन मल आसन में आप अपने शोल्डर के लेवल पे पैर खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने एल्बो आप दोनों घुटनों के बीच में लगाएं जी और नमस्कार पोजीशन में आए इस पोजीशन में आने के बाद आपकी कमर सीधी होगी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें और अपनी एल्बो से आपको अपने घुटनों को बाहर की तरफ धकेलना है जी। ये हमारे पेल्विक रीज़न को स्ट्रोंग करता है फ्लेक्सिबल करता है और मदद करता है हमारा जो हिप जॉइंट है जी। वो ओपन हो बहुत देर तक आप ना करें जब तक जितनी देर आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना करें आप दो रेपिटेशन तीन रेपिटेशन आप भले ज़्यादा करें अगर आपको इसमें क्या होता है मेन चीज क्या है सोनिया जी आपको अपनी बॉडी को फील करना पड़ेगा जी. उसका उसको सुनना पड़ेगा जी. आपको कोई भी चेंज होता है पेन होता है या कोई और फीलिंग आती है जी, तो अपने आप योगा टीचर से बात करते रहे जी, कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस योगा टीचर अपनी टीचिंग में आपकी फीलिंग आपको क्या महसूस हो रहा है किस आसन में पेन होता है वो चीजों को मॉडिफाई करता रहता है राइट क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो एक इमोशनल चेंजेस भी होते हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो आप योगा टीचर के साथ बात करते रहेंगे तो उसको भी आपको समझने में आसानी होगी कि आपके अंदर क्या चल रहा है क्या चल रहा है चलिए इसके बाद हम कौन सा आसन करेंगे इसके बाद देखे? है हमारा आ, साइड आसन है साइड बेंडिंग है इसमें दोनों हम अपना सुखासन में बैठ के राइट हैंड आप सीधा एल्बो तक आपने नीचे जमीन पे रखा और साइड बेंड किया जी। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो अपर बॉडी आपकी थोड़ी सी बैक साइड में टिल्ट होगी जी। इन ब्रीद आउट करते रहें इससे ये आपका साइड वाला पोर्शन पूरा स्ट्रेच होता है जी. और ना हमारी बैक पे पेन आता है स्ट्रेस आता है ना हमारे बेली एरिया में स्ट्रेस आता है ये करने के बाद आप थोड़ी देर ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें पाँच से दस सेकेंड आप इसको करें धीरे से इस हाथ की हेल्प लेके आप वापस आए थोड़ा सा अपने शोल्डर को स्ट्रेच करें जी. और फिर दूसरी तरफ हाथ आपका सीधा रहेगा

ठीक है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी योगेश शुक्राज आप दोनों साइड में तीन से पांच बार कर सकते हैं जी पांच से दस सेकंड का आपका एक आसन हो जाएगा एक वन साइड का ठीक है योगेश और इसके बाद हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आसन है मर्जरी आसन जिसको हम कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं जो स्ट्रेस बैली बढ़ने से जो हमारी बैक पे लोअर बैक पे जो स्ट्रेस आता है ये उसके लिए है okay. ये उसको रिड्यूस करता है ना सिर्फ लोअर बैक ये हमारा मिडल बैक और सर्वाइकल एरिया ये पूरी स्पाइन को हेल्दी बनाता है right. तो मैं आपको साइड एंगल से दिखाऊंगा टिया आपको फ्रंट एंगल से दिखाएंगे दिखा मर्जरी आसन जिसको हम कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं जी आप अपने घुटने खोलें अपने कंधे के हिसाब से आपके हाथ आपके कंधों के नीचे रहेंगे ब्रीद इन करके कमर को नीचे ले जाएं, ऊपर देखना है ब्रीद आउट इस पूरे प्रोसेस में ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रीद आउट करने के बाद आप कर, आपकी बैक पे बनेगा नेक को टक इन करके रखे जी। धीरे से चेंज आउट ब्रीद इसमें बहुत जरूरी है जो आपका ब्रीदिन और ब्रीद आउट के बाद जो आप ऊपर और नीचे ले जाते हैं अपनी कमर को वो बहुत धीरे से हो ओके जी। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी योगेश शोकराज ये आप काफी देर तक कर सकते हैं okay. इसमें फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा ज्यादा भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आपकी स्पाइन को जितना आप ज्यादा करेंगे उतना हेल्दी करेगा ओके okay. बसरते आपने खाना नया खाया हो ठीक है शुक्रिया इसके अलावा भी क्या कोई आसन जी है हाँ तो इसके अलावा एक बहुत अच्छा आसन है जिसको हम बदा को ना बोलते हैं बधा कोन आसना बधा कोन आसना जिसको हम बटरफ्लाई या तितली आसन भी बोलते हैं आप अपने दोनों पैरों को दोनों पैरों को मिला लें अपने शरीर के पास में ले आएं। जी। दो उंगलियों से आप अपने अंगूठे को पकड़ें और जब आप इसको अंगूठों को ऊपर की तरफ आप खींचेंगे तो आपकी बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी जी। और इस पोजीशन में आने के बाद आपको अपने नी को जैसे बटरफ्लाई उड़ती है तितली उड़ती है ऐसे ही आपने मूवमेंट देनी है और इसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें इस आसन से सोनिया ये जो हमारी लेग्स है हमारी जो ग्लूट मसल्स हैं जो मसल्स डिलीवरी के टाइम पे एक बच्चे के जन्म के टाइम पे यूज होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं स्ट्रोंग होती हैं उनका इंडोरेंस बढ़ता है हमारा जो हिप जॉइंट है वो ओपन होता है ओके। तो उससे हमारा डिलीवरी के टाइम पे पेन काफी कम हो जाता है जी ये सीक्वेंस आसन आप इसी सीक्वेंस में करें तो ये सभी आसन आपको करने चाहिए और ये क्या सुबह और शाम को दोनों तरफ टाइम ये परफॉर्म किया जा सकते हैं जी हाँ सोनिया जी ये आप दोनों टाइम कर सकते हैं सुबह और शाम आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है और लेकिन फ्रीक्वेंसी आप स्टार्टिंग में कम रखें धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें और साथ ही डॉक्टर की सलाह गानाकोलॉजिस्ट की सलाह लेना भी आप ना भूलें और इसके साथ क्या कोई क्योंकि इस ये सभी जो हम योगासन कर रहे हैं योगेश जो हमें फिजिकली एक प्रेग्नेंट वुमेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं फ्लेक्सिबल करते हैं इसके अगर हम उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो क्या कुछ प्राणायाम भी उनको मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से प्राणायाम बिल्कुल नहीं करने हैं जी उसमें कपाल भाती और एक अग्निसार क्रिया बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है ये आपको नुकसान करेंगी जी। जो प्राणायाम आपने करने हैं वो सिर्फ दो ही प्राणायाम हैं जो आप एक प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं जी। सबसे पहले अनुलोम विलोम है और उसके बाद आप भ्रामरी है ये दोनों ही आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं और भ्रामरी प्राणायाम आपका स्ट्रेस और एंगजाइटी को दूर करता है चलिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपने सिर्फ अनुलोम विलोम और साथ ही भ्रामरी ये दो प्राणायाम करने हैं इसके अलावा कोई भी प्राणायाम जो महिलाएं गर्भावस्था से गुजर रही हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना है इसके बाद हम योगासन की भी बात करेंगे लेकिन जो भ्रामरी और अनुलोम विलोम हमने बात की आमतौर पर योगी शोकराज जो जो हमने बताया है कि जो पेस होना चाहिए या जो हम एक प्रपोशन ले चलते हैं जो अपने वन फोर टू हमारी पिछली श्रृंखलाओं में भी बताया है क्या वो सेम ही चीज़ ले चलना है नहीं सोनिया ये आपको प्रेग्नेंट महिला को देखना पड़ेगा क्या वो उतना जो हमारा अनुपात है उसको, उसको मेंटेन कर पाती हैं, हैं। तो उनके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है अगर वो नहीं कर पाती हैं तो वो कम करें जी। आप उस अनुपात को कम कर सकते हैं जैसे हमारा एक चार दो का अनुपात था तो आप एक दो एक का अनुपात कर सकते हैं तो आपको अपने जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है मैंने बताया कि आप बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को सुने वो क्या कहता है आ, किस तरह से रेस्पोंड करता है आपका माइंड कैसे रेस्पोंड करता है और कीप टॉकिंग टू योर योगा टीचर और उनसे सलाह लेके आप मॉडिफाई इन आसनों में कर सकते हैं कर सकते हैं और इसके बाद सबसे जरूरी बात जो आती है योगेश है खान पान क्योंकि योगा करने से पहले योगा करने के बाद किस तरह की डाइट होनी चाहिए एक प्रेगनेंट वुमेन की आ, सोनिया जी अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि एक एक निवाला जी। जो प्रेग्नेंट महिला खाती है उसका असर पेट में बच्चे पे होता है, पे होता है। तो एक एक निवाला आपको बहुत ध्यान से क्या खाते हैं क्या खा रहे हैं किस टाइम खा रहे हैं ये देख के आपने खाना है जी। और मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जब बच्चा पेट में होता है तो हमारा पिटूट्री ग्लैंड डेवलप होता है right. और हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम ह्यूमंस में उनको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स एक ऐसी हार्मोन्स होते हैं सोनिया जी कि वो बच्चे के जन्म के पेट के दौरान ही जब बच्चा पेट में होता है उसी दौरान वो डेवलप हो जाते हैं जन्म के बाद वो ना के बराबर बढ़ते हैं जी, और ग्रोथ हार्मोन्स का काम है कि हमारे शरीर में बच्चे के शरीर में जी, जो सेल है उनको बनाना होता है राइट। ठीक है ना तो हम ये कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स जन्म के बाद नहीं बढ़ सकते वो माँ के पेट में ही ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिसके ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा होंगे वो अच्छी हेल्दी लाइफ जिएगा उसके पॉजिटिव माइंड होगा और लंबी लाइफ हो जिएगा है ना तो जब वो ग्रोथ हार्मोन्स आपके पेट के अंदर बनते हैं तो आपको अपना खाना बहुत समझदारी से सिलेक्ट करना चाहिए राइट उसका सीधा असर आपके बच्चे की हेल्थ पे उसके इम्यूनिटी पे उसकी लॉन्गेविटी पे पड़ता है कुछ ऐसी चीजें खान पान में जिसको जिससे परहेज करने की जरूरत है एक इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें हैं आपको स्मोकिंग आप जी। स्मोक ना करें अल्कोहल आप आ, बिल्कुल भी ना लें, जी। स्ट्रेस आपको किसी भी प्रेग्नेंट महिला को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस चाहिए। नहीं लेना चाहिए आप जितना हो सके म्यूजिक सुने खुश रहें हाँ, कोई चीज़ार हाँ पौष्टिक आहार लें पौष्टिक आहार में सबसे अच्छा है आपको ये देखना पड़ेगा कि एक बच्चा एक जान आपके पेट के अंदर बन रही है तो उसको क्या चाहिए उसको प्रोटीन चाहिए जी उसको कैल्शियम चाहिए जी है ना तो जिस खाने में कैल्शियम ज्यादा है प्रोटीन ज्यादा है दूध है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनमें प्रोटीन भी होता है कैल्शियम होता है है ना वो आप ज़्यादा लें ब्रोकली है डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप ज़्यादा खाएँ अनार आप अच्छा खा सकते हैं एवोकाडो केला जी ये सभी जो कैल्शियम है इसमें हैं वो ज़्यादा और की आपने बात की तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो वाइटामिन सी होता है जी एक प्रेग्नेंट लेडी को एक दिन के लिए सेवेंटी मिलीग्राम जी वाइटामिन सी चाहिए ओके डेली एक प्रेग्नेंट लेडी को सेवनटी मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए तो उसके लिए और एक बहुत बढ़िया सोर्स है ओके okay. ये तो खान पान की बात हो गई योगासन की बात हो गई लेकिन योगी शुक्रा इसके अलावा अगर हम वॉकिंग की बात करें तो कितना कितनी सैर करनी चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या वो कितना कर सकती है या नहीं करनी चाहिए किस स्टेज पे करनी चाहिए देखिए सोनिया जी मैंने बताया कि तीन महीने जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है जी चौदह तेरह महीने चौदह महीने तक तो आपको अपनी मूवमेंट कोई भी मूवमेंट है वो लिमिटेड और बहुत सॉफ्ट रखनी चाहिए उसके बाद आप चाहें आ, तो अपनी वॉकिंग आप 10 मिनट से 15 मिनट से आप आधे घंटे तक आप वॉकिंग कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का टाइम डिलीवरी का टाइम पास आता है आप अपनी वॉक को बढ़ाना चाहिए जितना आप एक्टिव रहेंगी जितनी आपकी मसल्स स्ट्रोंग होंगी उतना आपको डिलीवरी में पेन कम होगा हालांकि योगेश शोकराज ने बता दिया कि जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में रहेगी लेकिन फिर भी मैं ये एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे नोशंस हैं योगेश शोकराज की कई जो महिलाएं हैं आजकल की खास तौर पर वो बहुत ज़्यादा काम करना उनको सलाह नहीं दी जाती है जबकि कहा जाता है कि जो स्टैंडिंग पोजिशन है उससे बचना चाहिए कितना सही है आ, जी हाँ ये सही है कि स्टैंडिंग पोजीशन से बचना चाहिए और आ, मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पैरों में हील पहनने से बचना चाहिए आपको सॉफ्ट सोल वाले चप्पल या शूज़ पहनने चाहिए और मैंने फिर मैं एक बात दोहराना चाहूँगा कि आपको अपनी बॉडी को सुनना है वो क्या कह रही है आप मैंने बोला है कि एक्टिव रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, आप ना करे। ना करे। और जो हमारी जो वर्किंग जो आजकल कामकाजी महिलाएं हैं उनको क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है उनको सबसे पहले आप मैं सलाह दूंगा की दो चीजों का विशेष ध्यान रखें आप जो कपड़े पहनते हैं वो आ, बहुत ज्यादा लंबे और बहुत ज्यादा खुले ना हों अगर वो बहुत लंबे होंगे तो आपके सलवार है या जो भी आप नीचे पहनते हैं वो दूसरे पैर के नीचे आके आपके गिरने का डर रहता है राइट है ना और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोनिया जी बाथरूम स्लीपर्स जी। बाथरूम स्लीपर्स एक ऐसी चीज है जो बहुत छोटी है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं कि हमें कंप्लेंट मिलती है कि वो बाथरूम में गिर गई हैं या स्लिप हो गई हैं है ना उसका सबसे बड़ा कारण बाथरूम स्लीपर्स होते हैं आप हमेशा हर दो महीने बाद अपने बाथरूम स्लीपर्स को चेंज, चेंज करते, करते रहे, रहे। नई लेके आए अब दो तीन जोड़ी पहले ही लाके रखते हैं। हर दो महीने बाद आप किसी और को दे दे आप नई चप्पल यूज करें उस नई चप्पल के नीचे स्लीपर्स के नीचे जो ग्रिप होगी वो बहुत जरूरी है वो बहुत कम पैसे में एक अच्छा स्लीपर आ जाता है तीन सौ चार सौ रुपये में आ जाता है लेकिन वो हम इसका ध्यान नहीं देते हैं और ये एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है जी चलिए ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन इनको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है योगी शुक्र जाते जाते मैं ये भी सवाल लेना चाहूंगी की ये तो हो गया कि हम जो गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान ये हम प्री योगा करते हैं जो पोस्ट योगा भी है जो प्रेगनेंसी के बाद किया जाता है कई जो महिलाएँ हैं वो उसके बाद सलाह नहीं लेती हैं और वही सेम जो योगा पोस्टर्स हैं उन्हें करनी करने लगती हैं वो कितना सही है नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है सोनिया जी क्योंकि प्री योगा में हमें अपने पैलवी को हिप एरिया को ओपन करना होता है और पोस्ट नेटल के बाद हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो हमें तो, जो योगा आसन की बात करें तो प्री नेटल योगा पोस्ट नेटल योगा में दोनों बहुत अलग होते हैं तो आप जरूर अपने किसी योगा टीचर की सलाह लें और पोस्ट नेटल योगा में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सजेरियन डिलीवरी है तो सजेरियन डिलीवरी जहाँ पे होती है तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही जब तक आप पूरी तरह रिकवर ना हो जाएं उसके, उसके बाद, योगे बाद योगे ही आप किसी भी तरह का योगा स्टार्ट करें चलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश ओखराज ट्रियाकत जी आपका कार्यक्रम में इतने जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं खासकर प्री -नेटल योगा से रिलेटेड जो चीज़ें थी आपने बताने के लिए क्योंकि बहुत सावधानी जो है वो बरतने की ज़रूरत है खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो भी योग आसन हमने आपको आज परफॉर्म करके बताए उनको बहुत आराम से कीजिए और डॉक्टर की सलाह जो है आप ज़रूर लीजिए और हमारे ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल डी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं आप उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आने वाली श्रृंखलाओं में और भी विषयों पर बात करेंगे आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार नमस्कार